वेलकम गाइस टू अनदर ब्लॉग। आज है इंटरनेशनल जावा यूएसडी डे और बारिश हो रही है, लेकिन पसीना देख रहे हो क्या जबरदस्त ह्यूमिड हो रहा है। तो आज हम जा रहे हैं IJYT सेलिब्रेट करने। जब से मैंने जावा लिया तो मैंने फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो भाई मौसम हो रहा सुहाना, एक नंबर मौसम, मज़ा आ गया आज तो टू व्हीलर की राइड पर। फोन बज रहा है भाई, किसका बज रहा है भाई, इसको कैसे चेक करें, चलो देखते हैं एक बार, रुकते हैं। एक कॉल थी भाई, उसके लिए रुकना पड़ा। एक तो भाई ये जितने फालतू के कॉल आते हैं ना, इनका कोई इलाज नहीं है। DND लगा रखा है, उसके बावजूद भी फ़ोन आते ही रहते हैं। दिन भर 50 फ़ोन तो कम से कम आते हैं, और हज़ारों नंबर ब्लॉक कर चुका हूँ उसके बावजूद भी। हल्की हल्की हर गिर रही है, भीड़ देखो भाई, लोग संडे एंजॉय करने आए हुए हैं, मौसम भी शानदार है। जय हो भक्ति की भक्ति, और संडे का संडे मन रहा है भाई। ये सामने बिरला मंदिर, मैं आज तक नहीं गया इसमें, इतने साल हो गए मेरे को जयपुर में रहते हुए, लेकिन मैं आज तक गया नहीं इसके अंदर कभी भाई। पहले मैंने सोचा था कि गाड़ी लेकर चलता हूँ क्योंकि बारिश हो रही है, लेकिन अब ये फील आ रहा है कि अच्छा रहा मोटरसाइकिल से जा रहा, क्योंकि गाड़ी में फिर ये मज़ा नहीं ले पाते जो बाइक के ऊपर आ रहा है। पानी तो भरा हुआ है भाई, छींटे भी लगेंगे, कपड़े भी भीगेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आज इसी चीज़ को एंजॉय करेंगे। भाई गोदाम के जाम को ख़त्म करने के लिए एलिवेटेड रोड बन गई है भाई, रोड तो सर तैयार हो गई है। देखो मंत्री जी का भी इसका उद्घाटन करेंगे और कभी पब्लिक के लिए चालू होगी, शायद यहाँ की भीड़ से कुछ आराम मिले पब्लिक को भाई। खैर मेरा इस तरफ आना जाना होता नहीं है बहुत ज़्यादा, इस तरह हमारे CA साहब का ऑफिस है, बस इधर तक आते हैं, इससे आगे ज़्यादा कभी जाना होता है। मौसम की तो भाई क्या ही कहें, यहाँ तक आई पेट्रोल 1.4 है, हाफ और 1.4 के बीच में, तो फिल करा लेते हैं बेहतर रहेगा। भाई मंडी है, अगर बीच में किसी को दिक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ₹800 में भाई टंकी हो गई है फुल, और अब निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, पहुंच जाएंगे 10 मिनट में, वहाँ से ही इकट्ठे होकर निकलेंगे राइड के ऊपर। तो मिलते हैं आपको अमर कॉलेज पर। तो भाई असेंबलिंग पॉइंट पे तो पहुंच गए हैं अभी, अपनी 1, 2, 3, 6, 7 गाड़ियाँ आ गई हैं। कितने टोटल लोग आने वाले भाई? 25 लोग आएंगे, 25 लोगों को इकट्ठा होने में तो शायद शाम हो जाए, क्योंकि जो यहाँ पे ट्रेंड है जावा में ना, वो 1 घंटा लेट आने का तो है ही है। तो अभी देखते हैं, अभी तो हमारे मनीष जी भी नहीं आए, मनीष जी नहीं आए, वो तो क्या लेट ही आते हैं। तो टाइम तो भाई लगभग 12:30 बज गए हैं, लेकिन सब लोग पहुंचे नहीं है। थोड़ा सा रीज़न तो ये है कि बारिश भी थी, तो इसलिए भी लेट हो सकते हैं। मैं खुद थोड़ा सा लेट हो गया, मैं खुद 12:15 पहुँचाऊँ, बाकी इतने लोग तो हो गए हैं इकट्ठे, और लाइन अप कर दिए हैं, जितनी गाड़ियाँ आ गई हैं उतनी तो लाइन अप कर दी हैं, बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं, और फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो भाई फाइनली निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से, जितने लोग आने थे वो आ गए हैं, और 15-20 मिनट की लेट हुए, बहुत ज़्यादा लेट हुए नहीं है, अभी यहाँ से निकल रहे हैं फाइनली। तो भाई राइड हो गई है शुरू, और सारे बाइकर्स निकल गए हैं। बारिश बहुत हल्की है, बहुत तेज़ नहीं है, और ये प्लस पॉइंट है क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होती तो टू व्हीलर चलाने में थोड़ा दिक्कत होती। बहुत ही सुहावना मौसम हो रखा है भाई साहब, बहुत ही सुहावना, मज़ेदार। खैर राइड आज हमारी बहुत लंबी नहीं है, शॉर्ट राइड ही है, सिर्फ वहाँ जाएंगे और फिर दिन भर इंजॉय करेंगे।
भाई ये इवेंट की तैयारी पूरी शुरू हो गई है, बैनर्स हमारे लगने शुरू हो गए हैं और सामने पूल पार्टी चल रही है अभी फ़िलहाल। वो लोग चले जाए, अच्छा इधर से तो दिखेगा ही नहीं, जब वो लोग चले जाएंगे तब हम लोग पूल में जाएंगे। ये हमारा प्रमोशन के लिए सेटअप रेडी है भाई, बाइक्स लगा दिए हैं, बैनर्स टांग दिए हैं और पूरी तैयारी है आज का डे सेलिब्रेट करने के लिए। भाई सब लोगों ने टी शर्ट्स पहन लिए अपने, आरजे वाईसी के गेटअप में आ गए और फोटोशूट भी पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट जो अपना प्रोग्राम है उसकी तरफ जा रहे हैं। ये भाई वापस आ गए बिरला मंदिर घूम फिर के घर की तरफ जा रहे हैं। ये भाई के जीवन का आनंद ले रहे हैं, खड़ा हुआ है रोड के ऊपर, बंद कैसे होगी भाई, बंद तो नहीं हो रही थी आज, अब कैसे होगी बंद। तो भाई आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, ये अपनी टी शर्ट जो आज मिली है जावा जस्ट देखे, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।